जी तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जो पेपर देते हैं पीपीएससी के, एफपीएससी के, नेट के, फिजिकल एजुकेशन के, तो जो पेपर होता है वो 70% किन मज़ामीन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं कि जो पेपर होता है वो 80% जो है वो होता है फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर, और बाकी जो 20% होता है वो होता है जनरल नॉलेज के ऊपर। जी तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा पेपर होता है वो मुश्तमिल होता है 70% किन मज़ामीन पर। पहला जो मज़ामीन है टॉप पे वो है रिसर्च मैथडोलॉजी। हम सब पढ़ते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी, जो लोग बीएस ऑनर्स करते हैं, जो एमफिल करते हैं, बेसिक सब्जेक्ट है ये तो ये इसमें सैम्पलिंग वगैरह आ जाती है, रिसर्च करने का तरीका आ जाता है, स्टेप्स आ जाते हैं, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ मस्ट हैं, ज़रूर आते हैं। नंबर टू पे हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है वो है स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स। स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एंगल से रिलेटेड, ट्रांसवर्व, ये तमाम जो एंगल होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मस्ट आते हैं, ज़रूर आते हैं। तीसरे नंबर पे स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हम सब पढ़ते हैं, बेसिक सब्जेक्ट है हमारी एजुकेशन का, तो अमूमन इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह ये होते हैं कि बेसबॉल किसने इन्वेंट की, स्विमिंग किसने इन्वेंट की, स्विमिंग कब शामिल की गई ओलंपिक में, ओलंपिक की हिस्ट्री तो मस्ट है, आपको एक या दो क्वेश्चन ओलंपिक की हिस्ट्री में से ज़रूर आते हैं। तो जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें ये अहम क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि कोई चीज़ बहुत मुनफरद चीज़ है किसी गेम में पाई जाती है, जैसे ब्लैक कार्ड किस गेम में यूज़ होता है, डबल फॉल्ट किस गेम में है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही मुनफरद क्वेश्चन जो किसी को आते हैं ना, या बोनस लाइन किस गेम का इज है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स के रिलेटेड। तो आपने या बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी से रिलेटेड बोन्स, मसल्स, इन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बोन से रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन जरूर आएगा, आपकी एंकल्स की बोन, रिस्ट की बोन्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि फलां बोन्स का नाम बताएंगे, बोलेंगे ये कहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा आपसे आपसे बोलेंगे सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, तो इसके अलावा आपने जो दिमाग की हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, फेशियल बोन कितनी होती हैं, हमारा जो अपर बॉडी में जो बोन्स हैं उनकी कितनी अमाउंट है या कितनी तादाद है, ये बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है एनाटॉमी के, आपने ये याद करने हैं, बहुत ईजीएस्ट वे है इसको याद करने का। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो आपने दिल के फंक्शंस, दिल के बारे में प्रॉपर पढ़ के जाना है, दिल के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हार्ट के बारे में ऐसा कभी नहीं हुआ पेपर में हार्ट के बारे में क्वेश्चन ना आया हो, लंग्स के फंक्शंस के बारे, वाइटल कैपेसिटी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये मैंने आप सामने 5 से 6 सब्जेक्ट शेयर किए हैं जो कि किसी पेपर का जज़्वे कामिल हैं, यानी कि पूरे पेपर में 80% पेपर जो है वो इनमें से ज़रूर आता है। अगर आपकी ग्रिप इन सब्जेक्ट में मजबूत है तो आपको कोई नहीं जो है वो शिकस्त दे सकता है इन सब्जेक्ट में। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी तैयारी अच्छी कीजिएगा। अगर आपको जो रिसर्च मेथडोलॉजी है उसका पूरा सिलेबस मौजूद है मेरे इस चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो हमें पेपर आता है जनरल नॉलेज में से वो किन, ज़्यादातर वो किन पॉइंट्स होता है मुश्तमिल, ज्योग्राफी लिहाज से आपने याद करना है कि पाकिस्तान के शमाल में कौन से पहाड़ हैं, पाकिस्तान के जनूब में कौन से पहाड़ हैं, दरियाओं के बारे में उनके नाम याद करने हैं। फिर उसके अलावा आपने जो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग जमायत बनी थी, जब पाकिस्तान बना नहीं था तब की बात है, तब ऑल इंडिया वगैरह जो इजलास होते थे वो कब कब होते थे, और इसके अलावा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वगैरह के नाम याद कर लें, उनके दौरे हुकूमत याद कर लें, इस तरह के फंडामेंटल थिंग्स जो होती हैं वो आपने याद करनी है, यहीं से आएगा। बहुत डीप में आपसे नहीं पूछेंगे जनरल नॉलेज के बारे में, क्योंकि इट्स नॉट योर बेसिक सब्जेक्ट। तो चलिए जी, तो ये था मेरा आज का पूरा जो मैंने आपसे बयान करना था नॉलेज, तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।